दोस्तों हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन पाने के लिए इस बेल आइकन को भी क्लिक करें। फ्लिपकार्ट मोबाइल बोनांजा सेल आज से शुरू हो गया है, 5th of September से और 9th of September तक चलेगा दोस्तों। और कुछ 45-50 के आसपास स्मार्टफोन्स हैं जिन पे ऑफर है, लेकिन मैं चुनके 15 ऐसे स्मार्टफोन लेकर आया हूँ। कुछ बहुत बड़े ऑफर्स तो नहीं है, लेकिन स्टिल बता देना जरूरी है, जिनको लेना हो तो वो फायदा उठा सकते हैं। एक्सिस बैंक का बज क्रेडिट कार्ड है, उसके ऊपर 10% ऑफ है कुछ स्मार्टफोन्स पे, जिन पे होगा मैं बताऊंगा। तो बज क्रेडिट कार्ड है, नॉर्मल एक्सिस बैंक के क्रेडिट कार्ड पे नहीं, बज क्रेडिट कार्ड जो होता है उसके ऊपर ऑफ है, वो भी ढूंढना थोड़ा मुश्किल है। HDFC का कार्ड हो तो उसपे 5% डिस्काउंट ले सकते हो कुछ स्मार्टफोन पे, प्लस 250 rupees EMI पे डिस्काउंट ले सकते हो HDFC के कार्ड पे। तो 5% प्लस 250 rupees, वो भी बता दूंगा कौन से स्मार्टफोन पे कितना प्राइस होता है, उसके बाद सारी चीजें बताऊंगा। 15 स्मार्टफोन दोस्तों, चलते हैं इस वीडियो की तरफ। कौन से है वो, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले बता दूं, मैंने नीचे लिख के रखा है तो मुझे देखना पड़ेगा, इसलिए बता रहा हूं मैं कि फ्लिपकार्ट मोबाइल बोनांजा सेल है जो फिर से स्टार्ट होगा, मतलब आज से स्टार्ट हो चुका है एंड ये 9 तक चलेगा, तो इसके बीच में आप कभी भी खरीद सकते हो। तो सारी चीजें बताऊंगा। स्टार्ट करेंगे हम लोग रियलमी C2 से। इसका 2GB रैम और एक्चुअली इस पे आप 5% HDFC का कार्ड और प्लस 250 rupees EMI अगर दोनों माइनस करते हो तो इसका 2GB रैम और 16GB मेमोरी स्टोरेज वाला जो है दोस्तों 5450 में मिलेगा, जो कि 6000 का आता है। 2GB रैम 32GB वाला जो है दोस्तों 6400 मिलेगा और 332 वाला 7350 मिलेगा। देख सकते हो इसकी तरफ ऑफर्स हैं। मेरे हिसाब से 2GB 16GB वाला जो है वो ज्यादा बेटर है एज कम्पेयर टू बाकी दोनों, देख सकते हो। दूसरा स्मार्टफोन Vivo Z1 Pro 15000 का आता है। अगर आप प्रीपेड किसी भी कार्ड से अगर पे करते हो तो 1000 वैसे ही ऑफ हो जाएगा आपका। एंड अगर आपके पास एक्सिस बैंक का कार्ड है तो 1000 प्रीपेड का और 1400 10% ऑफ का बस क्रेडिट कार्ड पे है, बाकी सारे नहीं। ध्यान देना, मैं जितने भी एक्सिस बैंक बोलूंगा सब बस क्रेडिट कार्ड वाले ही होंगे। बस 12600 में आपको मिल सकता है अगर आपके पास एक्सिस बैंक का बस क्रेडिट कार्ड हो दोस्तों। तीसरा स्मार्टफोन रेडमी नोट 7 प्रो 14000 का है। इस पे एक्सचेंज ऑफर आ गया है दोस्तों, आप अगर बाय करते हैं एक्सचेंज करके तो 1000 एक्स्ट्रा ऑफ मिलेगा, 13000 का हो जाएगा। देन उसके बाद अगर आपके पास HDFC का कार्ड है तो EMI दोनों ऐड करके 900 ऑफ हो रहा है और एक्सिस बैंक का कार्ड है तो 1300 ऑफ हो रहा है। तो एक्सिस बैंक वाला लेस करोगे तो 11700 तक आ जाएगा ये। तो एक्चुअल देखो ये इफेक्टिव प्राइस 11700 तक जा सकता है। ये देखना चाहते हो इसकी तरफ देख सकते हो। रियलमी 3 अभी स्मार्टफोन रियलमी 5 आया तो इसका तो भाव थोड़ा कम हो गया है, पहले 9000 का था अब 8500 मिल रहा है। एंड अगर आपके पास एक्सिस बैंक का कार्ड है तो 850 rupees का और ऑफ मिल सकता है, HDFC का है तो 675 का मिलेगा और एक्सिस बैंक का है तो 850 का ऑफ मिलेगा। तो एक्सिस बैंक वाला अगर आप लेस करते हो दोस्तों तो ये 7650 तक आ सकता है, अगर आप देखना चाहते हो तो इसकी तरफ देख सकते हो। रियलमी 3 नेक्स्ट नोकिया 8.1 ये 27000 rupees में कुछ आया था, अजीज के लेंसेज है, 710 का प्रोसेसर है, 3500 mAh बैटरी है, ग्लास बॉडी है, अच्छा स्मार्टफोन है प्रीमियम। अगर नोकिया के फैन हो तो इसकी तरफ देख सकते हो, 15000 का हो गया दोस्तों, 15000 का। एंड अगर आपके पास HDFC का कार्ड है तो आपको 1000 rupees और ऑफ मिल जाएगा, 250 प्लस 750 मिला करेगा, देखो 14000 तक मिल सकता है अगर आपके पास HDFC का क्रेडिट कार्ड हो तो, EMI पे अगर ले रहे हो दोस्तों तो अच्छा है। इसकी तरफ देखना चाहते हो देख सकते हो, 14000 में वन ऑफ द बेस्ट डील्स हो सकती है क्योंकि नोकिया ब्रांडिंग मिल रही है, 710 का प्रोसेसर, बाकी सारी चीजें भी अच्छी हैं। तो देखना चाहते हो तो देख सकते हो दोस्तों। नेक्स्ट स्मार्टफोन इन्फिनिक्स स्मार्ट 2, अगर किसी घर में अगर कोई बुजुर्ग लोग हैं, किसी को गिफ्ट करना चाहते हो, सस्ता फोन देख रहे हो जो बहुत ज्यादा यूज ना होता हो, तो इसकी तरफ देख सकते हो। इन्फिनिक्स का स्मार्ट 2 2GB रैम 16GB इनबिल्ट स्टोरेज वाला 4000 rupees में, अगर आपके पास एक्सिस बैंक का बस क्रेडिट कार्ड है तो इसे 400 rupees का और ऑफ मिलेगा, यानी आपको ये 3600 में मिल जाएगा दोस्तों। 3600 के हिसाब से मेरे हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट डील्स है जिस प्राइस में आया और जो चीजें इसमें आती है दोस्तों, अच्छा स्मार्टफोन है, देख सकते हो। नेक्स्ट स्मार्टफोन रेडमी 7A, इसका भी 2GB 16GB रैम वाला जो वेरियंट है 6000 में आता है, HDFC का कार्ड है तो 550 rupees का ऑफ मिल जाएगा, यानी 5450 में मिल जाएगा। दूसरा वाला वेरियंट 2GB रैम 32GB मिल स्टोरेज वाला 6200 का आता है, उस पर HDFC पे 560 का ऑफ मिलेगा, यानी वो भी 5640 तक आ जाएगा। तो ये दोनों की तरफ देखना चाहते हो तो देख सकते हो। अगले स्मार्टफोन की तरफ जाए तो Samsung A50 18490 का एंड्रॉइड डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर है, 9610 का प्रोसेसर है, तो अच्छा है, देख सकते हो। 2000 rupees का एक्सचेंज ऑफर चल रहा है तो एक्सचेंज करते हो तो 16490 तक आ जाएगा और कोई कार्ड वाला ऑफर नहीं है, तो 16500 तक इसको आप देख सकते हो। अगर आप Samsung के फैन हो तो जरूर एक बार देख सकते हो दोस्तों। नेक्स्ट फोन की बात करें तो Mi A2 4GB रैम 64GB इंग्लिश स्टोरेज 10000 में आ रहा है। एक्चुअली इसके ऊपर 1000 का एक्सचेंज है बट दिखा नहीं रहा, अगर आप बाय करोगे तो 1000 का एक्सचेंज मिलेगा, मैंने चेक करके देखा है, एक्स्ट्रा ऑफ मिल रहा है 1000 का, 9000 का पड़ेगा। एक्सिस बैंक का कार्ड है तो 1000 rupees और ऑफ हो जाएगा, HDFC का है तो 900 rupees ऑफ होगा, तो दोनों सिचुएशन में आपको 8000 या 8100 में मिल जाएगा। देखना चाहते हो तो इसकी तरफ भी देख सकते हो। Asus का Zenfone Max Pro M1
इसका 3GB रैम 32GB मिनी स्टोरेज वाला जो वेरिएंट है दोस्तों, वो 7500 में आ रहे हैं। एंड अगर आप HDFC का कार्ड लगाते हो 625 का और ऑफ हो जाएगा दोनों मिलाकर, EMI और 5% ऑफ मिलाकर, तो 6875 में स्मार्टफोन आ जाएगा। और उस प्राइस के हिसाब से मेरे हिसाब से बेस्ट डील्स है, देखना चाहते हो इसकी तरफ भी देख सकते हो। नेक्स्ट स्मार्टफोन है दोस्तों Realme 5, अभी लॉन्च हुआ था 6 सितंबर को, नया सेल है, नेक्स्ट सेल है सॉरी, 10,000 में मिल रहा है, HDFC का कार्ड है तो ओवरऑल मिला जुला के 750 रुपए तक ऑफ आपको मिल सकता है। तो 9,250 अगर आप लेना चाहते हो तो 9,250 में इसको ले सकते हो, अभी 6 सितंबर को नेक्स्ट सेल इसका है दोस्तों। Realme 5 Pro नेक्स्ट स्मार्टफोन वेनसडे को सेल में आएगा, 14,000 का है, एक्सिस बैंक का कार्ड है तो 1,400 बस, एक्सिस बैंक बस क्रेडिट कार्ड अगर आपके पास है तो आप 1,400 तक ऑफ ले सकते हो, 12,600 में मिलता है, तो मेरे हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट डील्स है, इसकी तरफ देख सकते हो। पोको F1 6GB रैम 64GB मिनी स्टोरेज वाला बहुत पुराना ऑफर है, 8,000 का था, 2,000 रुपए का एक्सचेंज ऑफर है तो कुछ आपको 16,000 में मिलेगा। देन अगर आपके पास एक्सिस बैंक का बस क्रेडिट कार्ड है 10% ऑफ मिल जाएगा, तो अगर मैक्सिमम डिस्काउंट 1,000 दिए तो भी 15,000 तक आता, तो 15,000 के हिसाब से मेरे हिसाब से अच्छा डील है, इसकी तरफ देख सकते हो। नोकिया 5.1 प्लस कुछ 11,000 में लॉन्च हुआ था, 3GB रैम 32GB मिनी स्टोरेज वाला, हीलियो P60 पे आता है, इस टाइम 8,000 प्राइस चल रहा है, और एक्सिस बैंक का कार्ड अगर आपके पास है तो 800 रुपये और ऑफ आएगा, एंड 7,200 के हिसाब से किलर डील है दोस्तों, इसकी तरफ भी आप देख सकते हो। नेक्स्ट वन Honor 10 Lite ओके टाइप का है, देखना चाहते हो देख सकते हो, नहीं देखना चाहते हो तो भी ठीक है, 3GB रैम 32GB मिनी स्टोरेज वाला 9,000 में आ रहा है, और एक्सिस बैंक का कार्ड है तो आप 900 रुपये ऑफ ले सकते हो, यानी 8,100 में मिल जाएगा, तो अच्छा है, इसकी तरफ भी देख सकते हो, अगर आप Honor के फैन हो तो अच्छी बात है। लास्ट स्मार्टफोन इसमें आता है Honor Clay का, 4GB रैम 64GB मिनी स्टोरेज, अगर आप गेमिंग के फैन हो, सिर्फ गेमिंग करना चाहते हो, प्रोसेसर जबरदस्त चाहिए, बाकी सारी चीजें चल जाएंगी, अच्छी बैटरी भी है, फास्ट चार्जर भी मिलता है, फुल एचडी प्लस का डिस्प्ले है, IPS LCD का, तो देख सकते हो 12,000 मिल रहा है, एक्सिस बैंक का कार्ड है तो 1,200 रुपये ऑफ भी हो जाएगा, 11,000 या 10,800 तक आपको ये स्मार्टफोन मिल जाएगा। और मेरे हिसाब से उस प्राइस के हिसाब से अगर आपको गेमिंग के लिए सिर्फ स्मार्टफोन चाहिए, मैक्सिमम प्रायोरिटी आपकी गेमिंग है, तो आप इस स्मार्टफोन की तरफ देख सकते हो। तो ये कुछ 15 स्मार्टफोन थे जिनकी तरफ आप देख सकते हो, कौन सा वाला आपको अच्छा लगा, मैं उतना सजेस्ट अभी नहीं करूंगा, नेक्स्ट सेल का वेट कर लो क्योंकि ऑफर्स इतने अच्छे नहीं, क्योंकि एक्सिस बैंक का वर्स क्रेडिट कार्ड लोगों के पास मिलता नहीं है, एंड HDFC पे सिर्फ 5% डिस्काउंट है, वो भी सिलेक्टेड स्मार्टफोन्स पे, मेरे हिसाब से थोड़ा वेट कर लो ज्यादा बेटर रहेगा कुछ टाइम में कुछ, क्योंकि अब मुझे नहीं पता क्यों 10% वाला नहीं दे रहे हैं, एक्चुअल जो HDFC जाता था या एक्सिस बैंक के नॉर्मल क्रेडिट डेबिट कार्ड जाता था वो वाले आते थे ना, वो ऑफर्स नहीं आए, मुझे नहीं पता क्यों। कौन सा वाला देख रहे हो जो बताइए, कैसा लगा वीडियो जरूर बताइए, अगर ले रहे हो तो कमेंट सेक्शन में लिख देना कौन सा स्मार्टफोन ले रहे हो, और सपोर्ट भी कर सकते हो, सपोर्ट करने के लिए कुछ खास नहीं करना, साइड में जो कनेक्ट में जिस पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। अभी के लिए इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में कुछ नए करने के साथ, तब तक के लिए दोस्तों।